हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसके बारे में हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन को पढ़े बगैर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ठीक तरीके से स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन दैट मीन्स आप परिचय पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपसे कोई भी सवाल करेगा कि भाई क्या स्टार्ट किया है, क्या पढ़ रहा है। भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा है तो ये बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में भी आएगा, हाँ भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके अंदर अगर हम बात करें, स्थिर मतलब तो आप समझ रहे हैं, स्थिर विद्युत मतलब होता है आवेश। इसका मतलब है कि यहाँ जो स्टडी हो रहा है स्थिर आवेश का, किसका स्टडी हो रहा है? स्थिर आवेश का, दैट मीन्स रेस्ट चार्ज। तो रेस्ट चार्ज का स्टडी हम लोग कर रहे हैं। अब आता है इसका दूसरा इफेक्ट, अगर देखें तो अगर आवेश आता है, कोई भी भौतिक राशि होता है तो उसका एक इफेक्ट होता है। तो अब कहता है इसका एक इफेक्ट होता है, यानी कि वातावरण पर प्रभाव, वातावरण पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन सराउंडिंग, सराउंडिंग। इसका मतलब ये है कि हम यहां पर थोड़ा अच्छे स्टाइल में अगर हम बात करें कि स्थिर विद्युत की क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिकी का एक ब्रांच है, शाखा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश एवं वातावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसको अदरवाइज में अगर अदर लहजे में बोलें, इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट रेस्ट चार्ज एंड इट्स इफेक्ट ऑन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जब आप पहली बार परिभाषा पढ़े तो आप पहले ही टर्म में उसको कंफ्यूज करते हैं कि आवेश है क्या, चार्ज है क्या। तो वेस है कि आपके भी दिमाग में क्या क्या है, स्थिर आवेश, स्थिर तो समझ रहे हैं, रुका हुआ आवेश यानी चार्ज क्या है। अब हम समझते हैं यहाँ पे चार्ज आवेश। आवेश या एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। तो याद रखना है, आवेश के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे कि हम लोग किसी चीज को रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश उत्पन्न होता है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एक चीज थीम याद रख लेना है कि आवेश जब भी डेवलप होगा, पैदा होगा, तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाने के कारण उस पर आवेश पैदा होता है, चार्ज डेवलप होता है। मतलब ये कि अगर ये हम दो वस्तु लेते हैं, ओबियस है कि दुनिया का कोई भी वस्तु जो होता है वह परमाणु से बना होता है, और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी परमाणु है उसके बीच में एक नाभिक होता है जिसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो जो है जाहिर सी बात है कि ये दूसरा वस्तु है कि इसमें भी परमाणु होगा और नाभिक होगा, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर काटेंगे। तो दो वस्तु हम लेते हैं और दोनों वस्तु पर अगर चार्ज उत्पन्न होना है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी होगा। तो दैट मीन्स एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे पे चला जाएगा, तो जिससे निकलेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव और जिस पर जाएगा वह हो जाएगा निगेटिव। कहने का मतलब है कि जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो दोनों पे चार्ज डेवलप होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव। इसको थोड़ा और अच्छे स्टाइल में बोलते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही क्यों बोला जबकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी था, तो वह भी तो ट्रांसफर हो सकता था। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर हम फोकस करते हैं कि ये मौजूद है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में ये नाभिकीय बल से, न्यूक्लियर फोर्स से इतनी मजबूती से बंधा होता है कि इसको बाहर निकालना समवट डिफिकल्ट। इसलिए कहता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह भेजना आसान है,
और इसलिए केमिकल इक्वेशन या केमिकल फेनोमेना जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसी पे उसका रिएक्शन बनता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक चीज को गांठ बांध लेना है कि अब हम देख लिए कि चार्ज का डेवलपमेंट जो हो रहा है किसी वस्तु पे वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। तो अब हम थोड़ा सा अच्छे स्टाइल में आवेश को परिभाषित करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि आवेश एक अदिश राशि और फिजिकल क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं कि आवेश वह भौतिक राशि है जो दो वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से उत्पन्न होता है। यह एक अदिश राशि है, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलम तथा सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि इसका हम लोग बात करें एसआई यूनिट के लिए, अगर बात करें एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, कूलम। और सीजीएस के लिए अगर बात करें सीजीएस यूनिट हो गया स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। तो इस तरह से ये हम देखते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर बात करें, चार्ज इज समथिंग लाइक फंडामेंटल विच कैन बी डेवलप्ड ऑन एनी बॉडी बाय मीन्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जब तक हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करवाएंगे तब तक चार्ज डेवलप नहीं होगा। यहाँ से पता चल गया चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी एक्सप्रेस बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम एंड सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलम। अब कहता है कूलम और स्टेट कूलम के बीच कुछ रिलेशन होता है, उसको थोड़ा सा याद रख लेना है कि हम लोग बात करें यहाँ पे वन कूलम इज इक्वल टू होता है 3×10⁻⁹ स्टेट कूलम। ये ध्यान में रखना है, ये आवश्यक चीज़ें हैं। अब यहाँ पर करना आगे बढ़ते हैं। चार्ज के बारे में जब सीख गए कि ये दो वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से उत्पन्न होता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनावेशित और जिस पर जाता है वह ऋणावेशित। यदि चार्ज के बारे में इतना समझ गए तो मन में एक कन्फ्यूजन डेवलप हो रहा है कि भाई पता कैसे चले कि यही धनावेशित होगा यही ऋणावेशित होगा, जबकि हम ये कह सकते हैं कि यहीं से इस पर क्यों नहीं आए, किसी से किसी पे आ सकता है। तो कहता है कि नहीं भाई, किसी से किसी पे नहीं आ सकता है, सब कुछ जो होता है फिजिकल केमिकल जो भी होता है एक लॉ के तहत होता है, नियम के तहत होता है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा वस्तु धनावेशित होगा और कौन सा ऋणावेशित होगा, दैट मीन्स कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डिसाइड करेगा वर्क फंक्शन। कौन डिसाइड करेगा, वर्क फंक्शन, दैट मीन्स कार्य फलन, कार्य फलन। इसको हम लोग फाइ से डिनोट करते हैं, हालांकि फाइ से और भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, लेकिन ध्यान देना है जगह जगह पर सब कुछ बदलता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, वर्क फंक्शन डिसाइड करेगा कि भाई कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होता है। तो वर्क फंक्शन को समझते हैं। हमने अभी बोला था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते हैं, और कोई किसी के चारों तरफ ऐसे चक्कर नहीं काटता है जब तक कुछ लोग लालच नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर हम इस परमाणु का जिक्र करें, यहाँ पे ये नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। तो कहता है कि हम दो वस्तु का जिक्र कर रहे थे, दो वस्तु को लेकर ही देखते हैं अच्छा रहेगा। तो कहता है कि अलग अलग वस्तु है, अलग अलग परमाणु है, और अलग अलग परमाणु है इसका मतलब उसकी बंधन ऊर्जा, दैट मीन्स बंधने की एनर्जी अलग अलग होती है, और परमाणु स्तर पर बंधने की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापी जाती है। तो मान लो कि ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जुड़ा हुआ है और यह 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों हमारा परमाणु है, दो वस्तु है, इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन धनावेशित होगा कौन ऋणावेशित होगा, ये डिसाइड करेगा हमारा वर्क फंक्शन, दैट मीन्स कार्यफल। अब हम बात करते हैं कार्यफलन है क्या, पहले ये समझते हैं। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जिस मिनिमम एनर्जी के साथ बंधा होता है बाहर निकलने के लिए, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। मतलब ये किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए जितने न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम बोलते हैं कार्यफल। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन बी डिनोटेड बाय फाइ। इट्स एसआई यूनिट इज जूल, सीजीएस यूनिट इज अर्ग,
एंड एट एटॉमिक लेवल इट्स यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कार्य फलन एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग तथा परमाणु स्तर पर इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको हम फाई से सूचित करते हैं। अब हमने अभी नहीं बताया कि फाई कार्य फलन है क्या, थोड़ा और अच्छे स्टाइल से समझें इसको कि ये दो परमाणु हैं, हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं। हम मिनिमम क्यों लगाएं, मैक्सिमम क्यों नहीं, न्यूनतम क्यों लगाएं, अधिकतम भी लगा सकते हैं, अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कार्य फलन कहते हैं, ये भी बोल सकते थे। तो हम बात करते हैं परमाणु से। परमाणु के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सबकी बंधन ऊर्जा अलग अलग है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सपोज दैट दो कंपनी का उदाहरण लेते हैं। मान लो एक रिलायंस कंपनी है, एक टाटा कंपनी जो काफ़ी चर्चित है। अब जियो कंपनी और टाटा कंपनी, टाटा कंपनी में एक मैनेजर ऐसा है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अपने फैक्ट्री के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है कि नहीं ये ग्रोथ करे। ये न्यूज पहुंचा रिलायंस के पास, वहाँ मैसेंजर दिया कि भाई वहाँ पे एक बंदा है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो वहाँ के सीईओ को लगा कि भाई वो बंदा काश अपने एरिया में रहता तो थोड़ा अच्छा लगता, तो उसने सोचा कि भाई ट्राई मारते हैं। तो मान लो कि इस बंदे को 50 लाख पर मंथ दिया जा रहा है। अब ये बंदा इसके दिमाग में आया, तो ओबियस है कि ये बंदा 50 लाख कमा रहा है, तो ओबियस है कि इसका जन्म कुंडली खंगाल दिया जियो वाला, और ये मीटिंग फिक्स करवाए भाई मिलना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो मिला, तो चूँकि कंपनी चलानी है तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, ये जान रहा है कि उसका पैकेज 50 है, फिर भी वो चाह रहा है कि वो कम में आ जाए तो अच्छा है। तो ये प्रयास किया कि भाई ऐसा है कि आपके बारे में हम बड़ा अच्छा सुने, यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमारे कंपनी में आइए, हम आपको पैसा देंगे, पैकेज देंगे। तो इसने शुरू किया कि भाई हम 10 देंगे, 10 लाख। ये बंदा नहीं सोचेगा क्योंकि ये 50 कमा रहा है। फिर बोला अच्छा चल चलिए ठीक है 20 देते हैं। फिर भी वो जान रहा है कि 50 वहाँ मिल रहा है, फिर भी ये सोच रहा है कि देखते हैं भाई कहीं वहाँ पर दिक्कत होगा तो हो सकता है कम में भी आ जाए। 20 बोला नहीं, 30 बोला नहीं, 40 बोला नहीं, अंत में 50 पे गया। तो अगर ये इसको कोई फैक्ट्री से दिक्कत नहीं है, अपने स्टेटस को लेके कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 50 में भी नहीं जाएगा। लेकिन सोच सकता है अगर उसको लगे कि नहीं थोड़ा यहाँ पे करके थोड़ा बोर फील हो गया, चलो नया चीज़ सीखते हैं, उसके व्यू से अगर वो जाता है तो वो 50 में मिनिमम वो सोच सकता है। अगर कुछ तकलीफ है, कुछ नया सोचने का क्षमता है, तो वो हो सकता है कि वो जाने के लिए तैयार हो। तो मिनिमम कितने पे सोचा, 50 पे। अब ये अचानक बोलता भाई हम तुमको 70 देंगे, तो आसानी से आ सकता है अगर पैसा मालूम तरजीह दे रहा है। अगर लगता है कि नहीं टाटा कंपनी से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम वहाँ से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, चाहे वो करोड़ दे दे हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन अगर उसको निकलना है तो मिनिमम 50 लाख पे वो निकलने के लिए तैयार होगा, और मैक्सिमम वो कुछ भी दे दे, करोड़ दे दे, 2 करोड़ दे दे, वो आसानी से जा सकता है। क्योंकि आजकल लोग पैसे ज़्यादा देते हैं, इसका मतलब ये है कि अब वो जा सकता है। तो मिनिमम कितने पे सोचा, 50 पे। तो वही बात यहाँ पे होता है कि ये जो है मिनिमम एनर्जी से बंधा होगा, इसके अंदर जो होगा ज़्यादा एनर्जी से बंधा होगा। इसका मतलब ये है कि इसको निकालना आसान है। तो मिनिमम जो मिनिमम सब इसलिए लगा कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कम एनर्जी में उसको निकाला जा सकता है। इसका मतलब है कि ये जब बाहर जाएगा तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि मिनिमम लगा करके हम वर्क फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितने न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम कार्य फलन कहते हैं, या एक अदिश राशि इसे फाई से सूचित किया जाता है। अब हमने ये कहा कि वर्क फंक्शन कैसे डिसाइड करेगा कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। ओबियस है कि मान लो कि इसका वर्क फंक्शन 10 है, मतलब बंधने का एनर्जी 10 है, इसका बंधने का एनर्जी 20 है। तो अब एनर्जी हम दोनों को दे रहे हैं, रब कर रहे हैं, मतलब क्या दोनों को एनर्जी दे रहे हैं। अब दोनों को एनर्जी दे रहे हैं तो ये जो है 10 पे गया, जैसे ही 10 पे गया 11 पे गया ये एक्साइटेड हो जाएगा, और 11 पे उसको कुछ होगा ही नहीं क्योंकि उसका बनने का एनर्जी 20 है। इसका मतलब है कि ये जल्दी एक्साइटेड हो जाएगा और ये परमाणु से बाहर हो जाएगा, और जैसे ही बाहर होगा तो उसको क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और धनावेशित होगा,
जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वह धनावेशित हो जाएगा। तो इस तरह से वर्क फंक्शन डिसाइड करेगा कि कौन धनावेशित होगा और कौन ऋणावेशित होगा। तो अभी तक हम क्या क्या देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या है, वर्क फंक्शन क्या है। अब इतना जब हम पढ़े तो कुछ याद करने योग्य बात हम लोग सीखते हैं, तो उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि उसको ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग बात करें चार्ज यानी आवेश एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक कूलम तथा सीजीएस मात्रक अड़ग होता है, एसआई मात्रक कूलम तथा सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। इसकी बीमा एटी या आईटी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका एक अन्य मात्रक होता है एबी स्टेट कूलम, और वन कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 एबी स्टेट कूलम जिसको ईएमयू भी बोलते हैं। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कुछ नोट करने योग्य बात, जो कि हम लोग आसानी से देख के इसको आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं नोट फर्स्ट। तो हमने क्या बोला, चार्ज, चार्ज जो है आवेश जो है वह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, और इसका बीमा जो होता है वो क्या होता है एटी या आईटी होता है, इसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित करते हैं। दूसरा अगर बात करें तो हमने ये बोला था आपको कि कूलम दैट मीन्स एसआई यूनिट कूलम, सीडीएस यूनिट स्टेट कूलम, इसको हम लोग ईएसयू भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तीसरा अगर बात करें तो कुछ रिलेशन देखते हैं, वन कूलम इज इक्वल टू 3×10^9 स्टेट कूलम, इसको बक्से में बंद कर देते हैं ताकि कोई चोर चोरी ना करे। उसके बाद अगर बात करें इसको हम शॉर्ट में ESU भी कह सकते हैं, वन कूलम इज इक्वल टू 1/10 AB स्टेट कूलम, हालांकि ये ज़्यादा चलता नहीं है, एक कूलम को 10 भाग बांटिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी स्टेट कूलम हो जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6×10^-19 कूलम, और डी इक्वल टू CGS में, ये कूलम में है SI में है, और इसको CGS में अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 4.8×10^-10 ESU। ये भी याद रखना है, कई बोर्ड्स एग्जाम में पूछा हुआ है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, और इससे भी रिलेटेड आपका पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फिजिक्स में अगर बात करें कूलम स्टेट कूलम ये ज़्यादा चलता है, यूज में आता है, लेकिन अगर बात करें हम केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री के हिसाब से चार्ज का एक और भी मात्रक होता है फैराडे, एक होता है फराड एक होता है फैराडे, फराड नोट फैराडे, फैराडे इज अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, एक अलग मात्रक होता है। अब बात करते हैं हम लोग आगे चौथा, डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें, डे टू डे लाइफ यूज, कूलम जो है एक बड़ा मात्रक होता है इसलिए इसको हम यूज में नहीं लाते हैं, तो हम इसको लाते हैं कूलम के ही फॉर्म में, अगर यूज करना चाहते हैं एसआई के फॉर्म में ही यूज करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम, ETC। मिली कूलम बोले तो 10^-3 कूलम, माइक्रो कूलम बोले तो 10^-6, माइक्रो का मतलब 10^-6 कूलम, नैनो मतलब वो बोला नहीं चलाओ ना नैनो से बांध दे, 10^-9 मतलब होता है नैनो, ये कूलम हो गया। पीको 10^-12 कूलम। इस तरह से हम लोग डे टू डे लाइफ में चार्ज का यूनिट यूज करते हैं, और CGS तो हो ही सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें पांचवा, तो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर
जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या प्रोटोनिक चार्ज, और उसका परिमाण जो होता है मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम SI, और दिस इक्वल टू CGS में ये दिया हुआ है। अब कहता है कि इसको एक क्वांटम चार्ज भी कहते हैं, यानी एक क्वांटम आवेश। तो एक क्वांटम आवेश एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या एक प्रोटोनिक चार्ज के बराबर होता है, दिस इक्वल टू यू। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे, तो हम लोग अभी तक क्या देखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, और ये ढेर सारे नोट्स हम देखे, इसको याद रखना है। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि आवेश का गुण क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज याद करना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है, और अंडरस्टैंडिंग पैदा करना अलग चीज़ है। तो वही चीज़ हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सी यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।